लालबाग बैरियर पर 30 पेटी अवैध शराब सहित बोलेरो गाड़ी जब्त, 3 आरोपी भी गिरफ्तार, राहतगढ़ थाना पुलिस की कार्यवाही। आज सागर जिले की राहतगढ़ थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस ने 30 पेटी अवैध शराब और एक बोलेरो कार बरामद की है, साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मामला राहतगढ़ थाना इलाके के लालबाग बैरियर का है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की तो बोलेरो गाड़ी क्रमांक MP49C2227 में रखी 30 पेटी शराब मौके से जब्त की गई। साथ ही 3 आरोपी बिक्की गंधर्व, मोनू यादव और ब्रजकिशोर रावत को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। जब्त देसी मसाला शराब की कीमत 1,20,000 रुपये बताई जा रही है। साथ ही इस मामले पर पुलिस का कहना है कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बोलेरो गाड़ी में रायसेन जिले से अवैध शराब मुंगरियाव गांव की ओर ले जाई जा रही है, जिस पर मौके पर घेराबंदी कर 30 पेटी अवैध शराब और बोलेरो गाड़ी जब्त की गई है। साथ ही गिरफ्तार 3 आरोपियों के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है। साथ ही पता लगाया जा रहा है कि शराब का बेचबार कौन है और खरीददार कौन है, इसकी जांच चल रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि रायसेन तरफ से एक बोलेरो गाड़ी आ रही है जिसमें अवैध शराब भरी हुई है। उस सूचना पर तत्काल फोर्स को रवाना किया, जिन्होंने लालबाग के पास में जो पुराना टोल टैक्स है वहां पर इनको रोका, गाड़ी को चेक किया तो उसमें 3 लोग बैठे हुए थे, ड्राइवर साहब, और उसमें पीछे की तरफ और बीच की सीट में शराब भरी हुई थी। वहाँ पर मौके पर चेक किया तो 30 पेटी इसमें लाल मसाला की शराब भरी हुई थी, जिसको मौके पर जब्त किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर, इसकी कीमत कितनी? इसकी कीमत करीबन 1,20,000 के समथिंग इसकी कीमत है। आरोपी कौन कौन है? आरोपी इसमें 3 है, इसमें ब्रजकिशोर रावत है और मोहित यादव और बिक्की गंधर्व, ये 3 आरोपी। किस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? ये 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और अभी इसमें पूछताछ जारी है कि ये कहाँ से ला रहे थे माल, किसको देने जा रहे थे और कौन कौन इसके पीछे थे, इसके सारे चीजों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इसके बाद इसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।